तो चलिए देर किस बात की, चलते सीधे आज के दिन के पहले मुकाबले में। काफी सारी अटकलें यहाँ पे लग चुकी है, बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिला है पास में बहुत सारे प्लेयर्स की तरफ से। कार क्लैशेस हमने उस कंपाउंड के आसपास कई बार पास्ट में देखे हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि आज इतनी जल्दी आपको फाइट देखने को मिलेगी। हाइना वाई की अगर बात की जाए, लेगेसी ईस्पोर्ट्स सीधा स्लैमिंग करा, एक प्लेयर को डाउन किया, सैम नेड उनके हाथ में, काफी क्रूशियल रहेगा हाइना वाई के लिए, क्या वो जीत पाएंगे। माइकी जो सबसे पहले डाउन हुए थे वो यहाँ पे डाउन किए गए, खत्म किए गए। यूकी के पास भी एक नेड देखने को मिला जरूर, बट जो फ्यूरी थे पुश करा उन्होंने कंपाउंड के अंदर, आते ही उनको डाउन किया गया। लेगेसी गेमिंग बहुत जरूरी है कि वो यहाँ पे और बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि अब आप एक नई ऑर्ग के साथ आए हैं तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके आए हैं। पर मुझे लगता है अभी भी उनको समझना चाहिए कि क्या ये जरूरी फाइट है, क्योंकि 1700 मीटर दूर अभी भी वो टीम जोन के बाहर है और लेगेसी तो बहुत आसानी से निकल सकती है। एक खिलाड़ी डाउन है, ठीक है उनको आप छोड़ सकते हैं और बाकी बचे हुए खिलाड़ियों के साथ आसानी से निकला जा सकता है। एमजे को यहाँ पर फाइट लेने की कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अब दिक्कतें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, जोन उनके पास है भी नहीं। पर एक बार फिर से एमजे वो आगे गए, उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन तो किया पर सैम वो कवर फायर देने के लिए तैयार थे और लेगेसी के बाकी जो दो खिलाड़ी थे वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, और अब यहाँ से दोनों टीम के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मुझे समझ नहीं आया, अगर आप अटैक करने की इच्छा से आई थे तो पहले क्यों नहीं आई ये प्लेयर्स, ये पहले दूर क्यों जा रहे थे। एमजे वो फंस गए थे जब उन्होंने एक नॉक किया तो एक ट्रिगर का काम किया कि बाकी प्लेयर्स को बुलाया गया। रेज गॉड ही इज नाउ द लास्ट वन स्टैंडिंग, कंफ्यूजन के चलते मुश्किलों में पड़ी ये टीम, बट फाइनली रेज गॉड एक शानदार नॉक निकाला जरूर। दो फ्लैग्स कंफर्म वो कर चुके हैं एनआईवाई, वो भी एक प्लेयर ऊपर रिवाइव हो रहा था और वो हो भी जाएगा, एक 1v2 का सिनेरियो बन चुका है। रेज गॉड मोलोटोव हाथ में, ये मोलोटोव अगर सही जगह जाएगी तो बहुत डैमेज मिल सकता है। पूरा घूम के इस तरफ आए बट अभी भी अपने प्लेयर को रिवाइव नहीं कर रहा वो खिलाड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास फर्स्ट एड नहीं है, यानी कि जो क्रेट्स उन्होंने वहां पर देखी थी कम से कम वहां से लूट इकट्ठा कर सकते थे, वो सामने जो क्रेट वहां से उन्होंने उठाई उसमें कम से कम मोलोटोव और ग्रेनेड्स उनको मिल गए पर फर्स्ट एड उनको नहीं मिला। हालांकि अभी भी उनके आमने सामने एक और जो क्रेट है वो पड़ा दिखाई देगा और कम से कम वहां से आप लूट इकट्ठा कर सकते हैं। एनआईवाई एक खिलाड़ी वो नीचे आए तो सही, यूकी वो भी तैयार है, एक आखिरी ग्रेनेड रेज गॉड के पास, एक ग्रेनेड से कम से कम एक खिलाड़ी डाउन हो सकता है, बहुत ज्यादा करीबी मामला। यूकी वो डाउन करे गए और अब सैम उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अपनी टीम को बचाने की जिम्मेदारी पर। रेज गॉड दो फिनिशेस के साथ, सैम वो भी अपने आप को हील करेंगे, रेज गॉड उन्हें भी हील करने की जरूरत पड़नी चाहिए। सैम ये आखिरी फर्स्ट एड उनके पास था, तीन फिनिशेस निकाले गए, रेज गॉड वो दो फिनिशेस के साथ, चलिए दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने आप को हील किया पर रेज गॉड S12 के है उनके पास और उससे उन्होंने कमाल कर दिखाया, 1v4 किया है उन्होंने NIY को। एक थोड़े बहुत अंक रेज गॉड और निकाले यहां से तो डिसेंट मैच जा सकता है उनके लिए, और वो एवरेज 6 का अभी तक हम मानकर चलते हैं, 4 ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं, पर इन सबके बीच में मैक्स वो आ गया है, करुणालु के खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया पर जायरो गोल्ड वो आगे बढ़े, उन्होंने मैक्स और फियर्स दोनों खिलाड़ियों को डाउन कर दिया। टॉप एडीएम दिक्कतें बहुत ज्यादा होने वाली है, पुकार इतना ज्यादा स्लो आने की जरूरत नहीं थी, आसानी से वो अपने खिलाड़ियों के पास पहुंच सकते थे पर ऐसा हुआ नहीं, और गमला बॉय वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उन्होंने डाउन किया। 1v3 करके जाएंगे वो करुणालु ईस्पोर्ट्स को और उनका भी एलिमिनेशन, पर टॉप एडीएम उन्होंने अपना एक खिलाड़ी खोया पर 4 फिनिशेस तो निकाल दिए। काफी खराब हो सकता था ये मुकाबला अगर गमला बॉय सही समय रहते वो स्प्रे ना करते, 3 फ्लैग्स निकाले और मेजी आज की शुरुआत किया इलेक्ट्रीफाइंग तरीके से हो रही है। एक 1v4 हम देख चुके हैं, एक 1v3 हमने यहाँ पे देखा, ये क्लच बेहतरीन साबित हुआ। बट पुकार रिवाइवल उनको मिला थोड़े स्लो आए, जैसे आपने कहा ना वो पूरी अपनी गाड़ी घुमा रहे थे, नॉक प्लेयर को उन्होंने कन्फर्म किया और उसके बाद कोशिश काफी शानदार देखने को मिली। चलिए IQBMPS 2024 में स्वागत करा है करुणालु ईस्पोर्ट्स का भी शान से। करुणालु ईस्पोर्ट्स वो भी सोच रहे होंगे इतनी सारी चीजें तो हमने, संभावनाएं ज्यादा है, बोट उठाई वापस वो निकल गए और अब उनके पास पूरा ईस्टर्न एजेस का कंट्रोल है। बट ब्रिज का एरिया अगर ये आएगा सर्कल के अंदर काफी तूफान देखने को मिल सकता है। बट वहीं पे देखिए सामने प्लेयर खेल गई, पहले उन्होंने प्लेयर्स को स्पॉट किया भी था, वहां पर HR के खिलाड़ी उनको दिखाई दिए थे, साथ ही साथ विंड गॉड वो भी खुश होने वाले हैं, पर असाम टाइटंस के जो खिलाड़ी हैं जैक्स वो भी डाउन करे गए और इन सब के बीच में 7 ओशियन, मैं कह रहा था कि उनके पास एडवांटेज बहुत ज्यादा है पर टीम एम्पायर स्टॉर्म वो थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन तो किया पर रॉ वर्सेस असाम टाइटन उनके बीच में फाइट की शुरुआत। जी हां, और सीधा स्लैमिंग भी कर दिया, एक और खिलाड़ी को यहां पे डाउन किया गया। 7 ओशियन के पास इतना बेहतरीन मौका था कि यहां पे वो क्लच करके जा सके, एक्स्ट्रा फ्रैग्स वो निकाल सके, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बैकफुट पे पूरा वो टीम चली गई, टीम एम्पायर
एक खिलाड़ी को खत्म भी कर दिया, दूसरा खिलाड़ी अभी भी डाउन है सेवन ओशन का। देखिए जब आप तितर बितर होते हैं ना तो सब आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, जो यहाँ पे सेवन ओशन के प्लेयर्स कर नहीं पाए, और एक दूसरे को कवर का तो कोई चांस बना ही नहीं इतनी दूरी से। और बहुत आसानी से उन्होंने आने का मौका दे दिया, और अभी भी आप देखिए स्टॉर्म को खोज रहे हैं उस आखिरी खिलाड़ी को जिनको उन्होंने नॉक किया था। सेवन ओशन अभी भी उनके खिलाड़ी बचे हैं जो कि जोन के अंदर हैं, पर उनकी मुलाकात एचआर से हुई तो थी, रिमेंबर वो भी तैयार है, रिफ्लेक्स वो भी तैयार, और मुझे लगता है कि टीम एम्पायर वो थोड़ी देर के लिए और इंतजार कर सकते हैं, पर टीम रेकनिंग की जो फाइट है टीम कॉस्मिक के साथ होती हुई दिखाई देगी। इमॉर्टल एचपी बहुत ज्यादा कम और ये ग्रेनेड डैमेज दे सकता था, पर नो लव ग्रेनेड थोड़ा शॉर्ट रहा, पर टीम रेकनिंग बाकी जो उनके खिलाड़ी उनको बहुत आसानी से देखा जा सकता है, पर इन सबके बीच में पाश उनको डाउन किया जाएगा इमॉर्टल के द्वारा, और ये ग्रेनेड शायद उनको खत्म भी करेगा। काफी क्रेडिबल तरीके से एक दूसरे को कवर दिया जा रहा है। हंटर्स का वो नेड आया, नोलव को यहाँ पे डाउन किया इमॉर्टल। हंटर्स एक्सपीरियंस के साथ वो युवा जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो भी काफी शानदार। प्लेयर्स जो यहाँ पे हैं कुछ खास करना पड़ेगा, पिन गॉड को रोकना पड़ेगा, हवा की दिशा बदलनी पड़ेगी अगर जीतना है तो। और फाइनली वो टायर पंचर हुआ वहां पे, उसके नतीजे पूर्व वहां पे एक स्लिड हमें मारती हुई वो बगी नजर आई। उसके बाद आप देखिए कितनी शानदार तरीके से अटैक करने के लिए जा रहे थे, बट जैसे ही वो थोड़ा सा स्मोक के बाहर गए अटैक वहां पे उन पे भी हुआ, गमला बॉय हुए डाउन, बट अभी भी पीछे से कवर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेजी कि ये सारे ही प्लेयर्स हैं जोन के बाहर, और जोन के अंदर जाना पड़ेगा इनको। और इन सबकी सबसे बढ़िया फायदा अगर किसी ने उठाया है वो टीम रेकनिंग की स्क्वाड है, वो भी वहां से फिनिशर्स निकाल सकते हैं। विंड गॉड्स जिनके पास चारों खिलाड़ी अपने मौजूद थे और अब दो खिलाड़ी मात्र दिखाई देंगे, और मुझे लगता नहीं है कि सही सलामत वो भी जोन के अंदर जा पाएंगे। रेक्स उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, बग्गी छोड़ी गई और गिरते ही उन्हें नॉक कर आ गया, और वो रेज गॉड है जिन्होंने एक और फिनिश अपनी टीम को दिलाया। और अब विंड गॉड ड्रीम्स, वो बसते एक आखिरी खिलाड़ी, अभी तक का पेडियम उन्होंने उनका साथ छोड़ा नहीं है, पीछा नहीं छोड़ा गया, हालांकि वो जो खिलाड़ी आगे गया वो भी वहां पर नॉक कर दिए गए, और का पेडियम दिक्कतें उनके लिए भी बहुत ज्यादा। आप रेकनिंग को देखिए कितनी तेजी से आए अटैक करने के लिए, ट्राई बाय किया, लॉस को करा है डाउन, और वहां पे जो तीन प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करके वापस पीछे आए। हंटर्स पे डैमेज दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा पड़ता हुआ, काफी इन डिमांड ये खिलाड़ी, बट रेकनिंग पांच फ्लैग्स ये टीम निकाल चुकी है। कुछ अलग लहजे का इनकी रोटेशन देखने को मिली, प्लानिंग बहुत अच्छी, टीम वर्क लाजवाब, बट लॉल्स अभी तक मिला नहीं। कॉर्नेड आया, कुनाल हुए डाउन, टीम लॉल्स पूरी तरह से बैकफुट पे फंसते हुए। एक और ग्रेनेड वाइपर की तरफ गया था, डैमेज उनको पड़ा जरूर है, पर अभी से बीच में ग्रेविटी वो खुद जिम्मा लेने के लिए तैयार। संचित एचपी उनकी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, ग्रेविटी वो भी खुद डाउन कर दिए गए, और एक और ग्रेनेड आया, शायद उनके टीममेट का ही वो ग्रेनेड था जिससे वो खिलाड़ी समाप्त होगा, पर रेज गॉड वो रुकने को तैयार नहीं, उन्होंने पांच फिनिशर्स निकाले, पर नहीं वो पुकार का ग्रेनेड था जिन्होंने डाउन करा है ग्रेविटी जॉट को, यानी पुकार जाते जाते एक और फिनिश अपनी टीम को दिलाकर गए। क्या उनके पास एक और ग्रेनेड नहीं है? अगर होता तो पूरी टीम लॉल्स हमें एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे सकती थी। है उनके पास नेड, नेड आया भी है, मुझे लगता है क्या वो नेड है, क्या वो स्पोक है, वो नेड ही था। वापस संचित को भी डैमेज उस नेड से पड़ा। मुदत He is the last man standing, उधर हंटर्स मौका मिला इमॉर्टल को रिवाइव करने का, रिवाइवल पूरा किया गया। क्या संचित को रिवाइवल देना पॉसिबल है? पुकार अपनी टीम के लिए और ज्यादा वैल्यू निकालना चाहते हैं, सात फ्लैग्स ऑलरेडी है कार्पेडियम के पास, शुरुआत में अच्छी मानूंगा, एवरेज ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन अभी भी अगर आप एलिमिनेट होते हैं तो कोई भी पोजीशन का अंक आपको मिलेगा नहीं। संचित रैप तो उनको भी मिल गया, पर टीम इनसेन स्पीरो, टीम इनसेन किसी से उन्होंने फाइट नहीं लिया। पुकार उन्होंने मुदित को डाउन करा, और अब संचित आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, गाड़ी लेकर वो निकलना चाहते हैं, पुकार वो प्ले जोन के बाहर फंस गए, एलिमिनेशन हुआ है, पर टीम रेकनिंग दो खिलाड़ियों के साथ छह फिनिशर्स निकाले, पर अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी। दलजीत एक बार फिर से तैयार, शैडो को उन्होंने डाउन किया है, रेगल टॉस वो आ गए, उनको भी डैमेज दिया गया, टीआर उनका एलिमिनेशन होता हुआ, और आरई स्पोर्ट्स अभी भी इस मुकाबले में बरकरार तीन फिनिशेस के साथ। अक्षय को मिला एक फ्लैग, रेगल टॉस को मिला एक फ्लैग, एविलोपी के पास भी एक फ्लैग, मौका है इनके पास भी कि यहां से चक्कर निकाला जा सके, बिकॉज नंबर्स गेम है, लेकिन जोन के अंदर जाना एक अलग ही कहानी रहेगी। वही टीम रॉ बैटल तो उनको भी करना पड़ेगा, बट वही अब मैं देख पा रहा हूँ कि अनुष्टू ओपी वो यहाँ पे डाउन जरूर हुए, असम टाइटंस भी यहाँ पे मुश्किलों में फंसे, उनका भी एलिमिनेशन हमने यहाँ पे देखा, इवन रेकनिंग को खत्म कर दिया इनसेन के प्लेयर्स ने। कमाल का बैटल, पांच टीम 16 खिलाड़ी, और एचआर अभी भी स्प्रे डाउन करते हुए। बिजलू मुझे लगा था कि वो आखिरी शॉट भी करेक्ट होगा, पर शायद वो एविल थे जिन्होंने कवर फायर दिया, वहां से शॉट्स वापस आए बिजलू की तरफ, और स्पाई जो डाउन होने को लगभग तैयार थे बचाया गया उस खिलाड़ी के द्वारा, पर बिजलू एक फिनिश निकाला है। एचआर एक शानदार शुरुआत उनके द्वारा, जहां पर पांच फिनिशेस अभी तक वो निकाल चुके हैं। रॉ उनकी भी बढ़िया शुरुआत हुई है, फिनिशेस की कोई कमी रहने नहीं वाली। बिजलू एक बफर से तैयार, मानस उनको डाउन करा जाएगा,
लुसिफर ग्रेनेड थ्रो तो किया पर वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। रॉ उनका स्प्लिट बहुत बढ़िया है, दो खिलाड़ी एक कंपाउंड के अंदर, दो खिलाड़ी दूसरे कंपाउंड के अंदर, पर अब ग्रेनेड से उन्हें बचने की जरूरत। दलजीत उस ग्रेनेड से उन्हें डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, अपने आप को हील करेंगे, पर आर ई स्पोर्ट्स मुझे लगता नहीं है कि कोई मौका जहां से वो जोन के अंदर पहुंच पाए। मुझे लगता है गाड़ियां हैं तो स्लामन ही एक मौका है, उनके पास एक लौता रास्ता है कि वो यहां पे जोन के अंदर कोशिश करें कि कुछ बेहतर वो कर पाए। हो सकता है ओपन एरियाज में गाड़ी का कवर वो बना पाए। बट हॉर्न ड्राइवर्स कमाल का प्रदर्शन आया है जोन के अंदर, धीरे ही सही बट पहुंचे हैं और फ्लैग्स भी हैं उनके पास। बट जैसा मैं कह रहा था गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट गाड़ियों से रोटेशन करते करते रेगल्टोस उनको किया डाउन, मानस वो भी यहां पे डाउन, तीसरा प्लेयर भी डाउन, अक्षु ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। चार प्लेयर्स ने कोशिश करी और कोई जोन के अंदर सही सलामत पहुंच नहीं पाया। टीम इनसेन को मिले वो फिनिशेस, टीम रॉ ने भी चुराए कुछ फिनिशेस, बताओ बेचार उनको भी जाना है जोन के अंदर और फाइट देने के लिए वो है तैयार। देखिए ये सारी चीजें तो चल रही हैं पर रेज गॉड वो अपनी टीम को टॉप फोर तक लाने में कामयाबी उन्होंने हासिल करी है, फिनिशेस भी निकाले और चार प्लेसमेंट पॉइंट भी वो खिलाड़ी लेकर गया। पर फिर एक शॉटगन का बड़े इस्तेमाल, अभी वहां पर डाउन करेंगे दलजीत, उन्हें भी डाउन कर दिया गया। एक बड़े कनेडा फूका जाएगा, बिजलू वो भी डाउन करे गए, आटो वो भी डाउन कर दिए गए और इन सबके बीच में चार उनका एलिमिनेशन। और अब आखिरी दो टीम बची हुई है और ये आप कह सकते हैं कि इनसेन आई है और वो पहला चिकन डिनर ना निकाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए मैंने तो आपको मौका दिया था चेंज कर लो रेकनिंग से इनसेन में, बट आपने किया नहीं, बट अभी भी मौका है अफू। अच्छा स्प्रे वहां पे दिया बट टीम रो वापस रीसेट वो करना जरूर चाहते हैं, ऊपर से पुश करने की कोशिश करी, एक प्लेयर को डाउन किया था फर्स्ट गॉड, ही इज अ सुपरमैन जैसा नाम वैसा काम। बट इनसेन Evil cover देना चाहिए था पहले उनको, स्पाई ओपी वो भी पीछे से नेड करते हुए और नेड जगह पे जाएगा भी सही, सुपरमैन डाउन। बता इनसेन केवल दो प्लेयर्स हैं उनके पास, 10 टोटल फिनिशेस निकाले इनसेन ने, Evil के पास चार आए और साथ ही साथ अफू वो भी चार के साथ, स्पाई दो फिनिशेस निकाल चुके हैं अभी भी दो खिलाड़ियों के साथ। इनसेन मौका है उनके पास कि वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं, स्पाई एक और फिनिश उनके खाते में जाएगा, वो गाड़ी ब्लास्ट हुई। चलिए वो Evil थे जिन्होंने सुपरमैन को नॉक किया था, पर स्पाई एक ग्रेनेड उनके पास, Evil उन्होंने पोजीशनिंग रिवील करी होगी, अनुष्टू ओपी की एक ग्रेनेड, अगर वो ठिकाने पर गया दलजीत एचपी बहुत ज्यादा कम हो सकती है, दोनों खिलाड़ियों को डैमेज पड़ा। एक और मोलोटॉफ के साथ स्पाई, दलजीत वापस हील करने को तैयार है पर इन सबके बीच में स्पाई उन्होंने देख लिया और अभी वहां पर डाउन कर दिए गए दलजीत, उनके एचपी पहले से कम थी, अनुष्टू ओपी उनकी पोजीशनिंग तो पहले से Evil ने देख रखा था, पर इनसेन यहां से चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब और वो आसानी से चिकन डिनर निकाल भी सकते हैं। दलजीत वो आ गया S12 के कब्रहार, दलजीत उन्होंने Evil को डाउन करा और अब पारी आती है 1v2 की, काफी क्लोज जा सकता है। स्पाई ओपी के पास अभी भी वहां पे मौका, बट दलजीत इनका एक्सपीरियंस यहां पे काम आया, इनके रिफ्लेक्सेस यहां पे काम आए। टीम रो इनसेन के हाथों से ये चिकन छीन सकते हैं, स्पाई की पोजीशनिंग थोड़ा सा जोन के एजिस पे वो खेल रहे हैं बट उनके पास एक कवर है, ये रिच है, बट रिवाइवल भी वहां पे हो जाएगा एक 1v3 के सिनारियों के अंदर। आपकी पोजीशन जहां पे रीबिल्ड है मुझे लगता नहीं यहां पे वो चिकन ले पाएंगे, एचपी उनके पास है नहीं और तीनों खिलाड़ी रोके वो पुश करना चाहते हैं। स्पाई सामने एक प्लेयर को किया डाउन बट दूसरे को वो टेक डाउन नहीं कर पाया। टीम रो आते ही इस पहले रैंगल में स्वागत किया सबका, रहेगा कि इस रेगिस्तान से वो चिकन डिनर कौन सी टीम लेकर के जाने वाली है। एरिया के आसपास उनके नीचे कार्पे डीएम एल्पोजो तक का सफर वो तय कर रहे हैं, बहुत सारी टीम्स हैं जो गाड़ियों के लिए भी यहाँ पे जाते हमें नजर आई, विंड गॉड उनमें से एक, साथ ही साथ अगर आप विंड गॉड के जस्ट पीछे देखेंगे एचआर के लूसीफर वो भी वहां पे गाड़ी चाहते थे, वो इधर टीआर ये भी यहाँ पे आए हैं टीसी के साथ इनकी बैटल। और ये ड्रॉप क्लच के अंदर हमेशा परेशानियां होती है बिकॉज इम्पाला एक ऐसा एरिया ना जहाँ पे बहुत सारे एंगल्स आपको मिलते हैं रावण, और यहाँ पे अगर वेपन आपको ना मिले आप फंस सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए वेपन तो यहाँ पे मिल चुका है, ये अच्छी खबर रहेगी, AKM माइक्रोजी दोनों ही गन हम जानते हैं क्लोज रेंज में कितना ज्यादा फायदा आपको दिलाता है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में डिपेंड करेगा वो पहला नॉक, क्योंकि उस पहले नॉक के साथ हमने देखा एक बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन इनके पास तो लूट ही नहीं है, क्रॉसबो हमें देखने को मिला और उसके साथ कनेक्ट करा पाए तो बहुत बेहतर, अदरवाइज उतना ही ज्यादा साधारण सामने से भी वो शॉटगन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बचते बचाते निकल गए यहाँ से। रंगा रंगा रोजेस खेल रहे हैं काफी देर से और फाइनली अब तो चाकू चलने वाले हैं, टैगर के साथ वहां पे नॉक किया जाएगा, जिंदा नॉक यहाँ पे निकाला गया है टैगर से। यार चलो बिजी कह रहे हैं आपने तो क्रॉसबो से अटैक नहीं किया हमारे ऊपर, शॉट कनेक्शन नहीं मिला आपको, मैं खुद चला लेता हूँ, कुछ सेकंड के लिए सोचा उन्होंने रीलोड किया, फिर उन्होंने विंचेस्टर यहाँ पे अपनाई है। मैं इसी परेशानियों के बारे में बात कर रहा था रावण, अब तीन खिलाड़ी यहाँ पे रुके हुए हैं, सामने से कुछ गलतियों का वो ट्राई रहेगा कि आप पहले कुछ वहां पे गलती करें, लेकिन कुछ और भी
हमें वो ड्रॉप क्लैश देखने को मिल रहा है। कारपेट डीएम, हमने बातचीत बहुत ज्यादा की थी, फियर्स इंडिविजुअल लेवल में बहुत ही कमाल के प्लेयर है, लेकिन इस खिलाड़ी के साथ क्या कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? तो जवाब रहा हाँ, पहले खिलाड़ी को डाउन किया गया लेकिन दूसरे खिलाड़ी के लिए तैयार नहीं थे। नॉक तो किया ही जाएगा, खत्म किया जाएगा। और सबसे पिछले मुकाबले में विनर विनर चिकन डिनर निकालने वाली टीम रॉ फिलहाल लॉस लियोनस में, जिनके सामने है टीजीएल। लॉस लियोनस हमने बहुत कम फाइट्स होती देखी हैं, बट यहां पे इस फाइट को अंजाम देने के लिए टीम कॉस्मिक काफी तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। एवन दो पहला प्लेयर नोलव बहुत जल्दी गवा दिया, लेकिन देखिए दोनों तरफ सेम ही चीज हो रही है। वहां एक तरफ टीआर के दो प्लेयर्स अटैक करना चाहते हैं, दूसरी तरफ टीम कॉस्मिक के दो प्लेयर साथ में अटैक कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद टीआर की मुझे कहीं ना कहीं एक छोटी सी जीत आती नजर आई। नॉक जरूर हुए प्लेयर, बट दो फ्रैग्स निकाल चुके हैं। इट्स अ 4v2 सिनेरियो अगर रिवाइवल मिल जाता है उस खिलाड़ी को, और विजी की पोजीशन अच्छी है, आप वहां से कवर दे सकते हैं अपने साथियों को, जो वो कर भी रहे हैं। और स्मोक भी उनके तरफ से फेंका गया ताकि एंगल भी अगर वो कोशिश भी करे तो वो ना बन पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। यही तो है टीम वर्क, इसी की हम बात करते हैं कि जब भी अगर आप फाइट में जा रहे हैं तो अपने बारे में सोचना, और उससे ज्यादा बेहतर ये भी होता है कि अपनी टीम को भी साथ साथ लेके चलना। एग्जैक्टली वही करते हो, लेकिन ग्रेनेड का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। टीमों जिनको अभी अभी रिवाइव मिला था उन्हें फिर से यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है। ग्रेनेड की मात्रा अब समाप्त है, तो यहां से आप ग्रेनेड तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या वो वहां पे कंफर्मेशन के लिए जाएंगे? जवाब रहेगा नहीं, अभी भी इंतजार करने का फैसला किया गया। चलिए, फैसला ये किया गया कि टीपीपी एडवांटेज के साथ ही इस फाइट को अंजाम दिया जाएगा, बट मुझे लगता है कि अब सारे प्लेयर्स अटैक करने वाले हैं और नीमो ही हैं जिनके पास वो नेड है। नेड के साथ अगर कोई नॉक मिला तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। ये नेड आया, कनेक्शन भी मिला बट नॉक नहीं। 4v2 के सिनारियो में दो प्लेयर्स यहाँ पे डिफेंड करना चाहते हैं, टीपीपी एडवांटेज उनके पास, बट कोई शॉटगन नहीं देखने को मिलती। स्कारल जरूर है वहां पे, लेकिन मुश्किल में फंस सकते हैं। वही मानस, उनको यहाँ पे डाउन किया गया। कारानाडु ईस्पोर्ट्स वर्सेस आर ईस्पोर्ट्स के बीच में एक टसल चलती हुई दूसरी जगह पे। लीवा इविल उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया, मुश्किलों में आर ईस्पोर्ट्स। अक्षु भी वहां पे डाउन। इधर टीसी लास्ट प्लेयर्स स्टैंडिंग, क्या वो कुछ खास कर पाएंगी? एक प्लेयर को डाउन जरूर वहां पे किया, पास कोशिश बहुत अच्छी, बट वो नॉक को फिनिश भी नहीं कर पाए और कोई फिनिश उनको एक टीम को भी नहीं मिला, नहीं है हंटर्स का। बट हंटर्स, उनको साथी की जरूरत भी मुझे लगता है यहाँ पे पड़ेगी। नहीं, स्प्रे देने की शुरुआत करी, काफी बेहतरीन वो स्प्रे आया। मीको बचना बहुत मुश्किल, दूसरी तरफ से कवर भी वहां पे आ रहा है। मीको काफी आसानी से उनको फिनिश किया गया, और जैसा बाइबल की जब बारी आएगी देखना चाहूंगा कि पुकार को कितनी जल्दी वो रिवाइव कर पाएंगे, क्योंकि सामने से आप देखे उस लामिन भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। गमला बॉय वो नाम रहेगा, लेकिन ये नाम कुछ खास ना कर पाए, इसका ध्यान रखा गया रीपो की तरफ से, सीधा गाड़ी चढ़ा देंगे उसके ऊपर। गमला बॉय के पास मौका था, रीपर के पास एचपी ज्यादा थी नहीं, अगर वो शॉर्ट कनेक्शन मिलता तो काफी फायदा उनको होता। बट मैक्स, ही इज नाउ द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। टीम एम्पायर ने मुश्किलें बहुत बढ़ाई और मैक्स उनको स्पॉट किया, बट दैट रिफ्लेक्स वाज अमेजिंग। एक शानदार नॉक वहां पे निकाला मैक्स ने, बट अभी भी मौका है पीछे से कवर देने की कोशिश यहाँ पे टीम एम्पायर के प्लेयर्स भी करेंगे। बट मैक्स, चलिए एक फ्रैग तो कंफर्म किया है, बट अभी भी एक 1v3 का सिनेरियो उनके लिए मुश्किलें बना सकता है। लेकिन अपोनेंट की आप एचपी देखिए, लेट रोटेशन का सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि आप 100 एचपी के साथ आ ही नहीं पाते हो फाइट में। मैक्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एक और शॉट यहाँ पे कनेक्ट कराएंगे, एक दूसरा फिनिश की जब बारी आई तो दूसरे फिनिश को भी यहाँ पे निकाला जा चुका है। तीसरे खिलाड़ी को भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया जाएगा। पीछे से आप देखे तो एमजे भी आ चुके हैं, जो कि थर्ड पार्टी यहाँ पे करते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्स को रोकना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। बैक टू बैक नॉक्स और बैक टू बैक वो फिनिशर निकालते हुए अपनी टीम के लिए फिनिशर्स कंफर्म भी कर रहे हैं। तीन फ्रैग्स ये खिलाड़ी निकाल चुका है, हमने पहले ही इस बारे में बहुत चर्चा करी है। आईक्यू बीएमपीएस 2024 में क्लचेस की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट पीके डायरेक्शन को बदल पाएंगे अब ये सवाल है। शुरुआत तो अच्छी हुई नहीं है, पहले खिलाड़ी को आते के साथ वो नॉक करा बैठे और इसका फायदा विंड गॉड जरूर उठाना चाहेंगे। टीजीएल के लॉन्च को भी वहां पे डाउन किया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। ये जरूर से उनको बचने की बारी थी, उनके लिए बचना चाहिए था कि बच नहीं पाए। विंड गॉड एक फिनिश यहां पे निकालने के बाद आप देखिए वो ग्रेनेड के साथ अंत करेंगे। मौका ना मिल पाए क्योंकि स्मोक था, एक्चुअल पोजीशन नहीं पता था, तो ग्रेनेड फेंक के कंफर्मेशन निकालने में कामयाब हो चुके। अब ऐसे में असम टाइटन जो सर्कल के सेंटर को हथियाने की सोच के साथ आए थे, विंड गॉड ने तो उस पर रोक लगा दिया। देखिए थोड़ा संभलना पड़ेगा, जब आप सेंटर में होते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हैं और यहाँ पे मल्टीपल टीम्स आ सकती हैं। मिनी मैप में मैं देख पा रहा हूँ एक और टीम ने डिस्टेंस क्लोज इन किया, बट एचआर शानदार तरीके से डिफेंड किया है अभी तक अपने कंपाउंड को। सैम गाड़ी में से उनको नॉक किया, बहुत आसानी से फिनिश किया ऑन ट्राइवल्स। ये भी काफी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, पहले मैच में लाजवाब प्रदर्शन था। और आटो ने ये जो एंगल बनाया कमाल था, ये गाड़ी के नीचे से उस प्लेयर को डाउन किया। आटो एक और प्लेयर को स्पॉट जरूर किया,
बट अभी के लिए केवल एक ही फ्राग है इस टीम के पास, डॉक्स भले ही किए हैं बट कंफर्म करना अभी बाकी। लूसिफर काफी आगे जा चुके थे, मैं बस सोच रहा था कि अगर वहां पे नॉक होते तो ये सारा मेहनत जो अभी तक इन्होंने किया वो शायद बर्बाद हो सकता था, लेकिन बच गए वहां पे। पीछे हटेंगे और हेल्थ को रिकवर करेंगे। फिनिक्स दूसरी तरफ ग्रेविटी को यहाँ पे डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, रेकने के इमॉर्टल व्हीकल से वहां पे काउंटर करेंगे। एक कमाल की बैटल वहां भी हमें देखने को मिल रही है जहां पर रेकनिंग अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन लूसिफर व्हीकल से वहां पे जाएंगे और जो नॉक खिलाड़ी थे उनका कंफर्मेशन यहां पे निकाला जा रहा है। एक बार फिर से जोन का शिफ्ट आएगा और ये जोन अब इनसेन के खाते में गया है। पहला मैच लाजवाब था, दूसरा मैच भी और बेहतर वो करना चाहते हैं, बट टीम लॉल्स बैकफुट पे गए। इमॉर्टल की वो मोलोटोव काफी खतरनाक साबित हुई वहां पे टीम लॉल्स के लिए। वही चार फिनिशेस अब उनके पास आ चुके हैं, बट जोन में जाना अब एक चुनौती रहेगा। भले ही जोन बिल्कुल एचपी है उनके पोजीशन के, लेकिन रोटेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी। बट रेकनिंग इमॉर्टल देखिए कोल्डन एचपी पे बचे वहां पे उस नेट से, बट कारोनाडो ईस्पोर्ट्स टोन भी जिमाए। पहले चर्चा करी हमने इस प्लेयर के बारे में, एक और नेट डाला गया चायरो कॉर्ड, इस बार वो प्लेयर जिन्होंने नेट डाला। इमॉर्टल हुए डाउन वाइपर इस एरिया में, इस कंपाउंड में वो आखिरी खिलाड़ी, अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी, बट वो कुछ कर नहीं पाए। दो तरफा वार और वाइपर बेहाल, रेकनिंग का एलिमिनेशन 12वें पायदान पे। एचआर के फीनिक्स थे जो कि पीछे से शॉट लिया और उसका फायदा वहां पे मिला है उन्हें। यार जो बचे थे आखिरी खिलाड़ी, एक फ्लैग उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया, बट सीधा न्योता दिया उन्होंने अपोनेंट को और सीधा वो कुछ भी करते आपको नजर आए। यहाँ पे अगर अंपायर कुछ करेंगे खास तो कमाल का वो होगा एफर्ट। पहले भी आपकी फाइट हुई थी उनसे और उसके बाद आपने आप निर्णय लिया कि अटैक करके खत्म ही करते हैं खेल को, जो उन्होंने भरपूर करके दिखाया। लेकिन विंड गॉड ये भी चाहते हैं कि अब इस खेल को खत्म करें या खुद भी खत्म हो जाए वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि दो खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। ड्रीम्स भी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलेंगे अभी पीछे से नजर रखे हुए, लेकिन वो एंगल जो डिमांड कर रहे हैं वो उन्हें मिलेगा नहीं। बट राइट, चलिए वो यहाँ पे अपने नौ खिलाड़ियों को यहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम असासिन को भी सोचना पड़ेगा कि आपने उनके दो खिलाड़ियों को गिरा दिया, उसके बाद किस बात का इंतजार कर रहे थे आप। क्योंकि फिलहाल वहां पे नॉक हुए, लेकिन ये रिफ्लेक्स तो देखिए क्या कमाल का स्प्रे देखने को मिला। अभी को डाउन करने के बाद सीधा आगे जाने का डिसीजन, एक और नॉक, लेकिन उसके बाद ट्रेड भी यहां पे लिया जाएगा। उम्मीद उन्होंने की नहीं थी कि रेक्स भी उनके पीछे होंगे, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है यहाँ पे विंड गॉड को भी। ऐसे में अगर वो थर्ड पार्टी जो मैं देख रहा हूं अगर इंसेंट कर दे या पीछे से रॉ आ रहे हैं उन्होंने कर दिया, मुश्किल हो सकता है, लेकिन असैसिन उनको इस मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा विंड गॉड की तरफ से। एक और क्लच, एक और शानदार क्लच। नोशन उनकी फाइट यहाँ पे शुरू हो चुकी है चार के साथ, पिछली बार निराश किया सेवन ओशन ने, बट इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। रिफ्लेक्स का रिफ्लेक्स शानदार था। एचआर लूसिफर बचे हैं अब आखिरी खिलाड़ी, एक 1v1 सिनेरियो काफी क्लोज हो सकता है, बट अगर पीछे से वो प्लेयर आ जाए तो नंबर्स गेम का एडवांटेज सेवन ओशन के पास रहेगा। और ये बात वो समझ के दौड़ लगा चुके हैं पीछे से ऑलरेडी, आप देखिए वो आ चुके हैं। और अगर ऐसे में रिवाइवल यहाँ पे कर लेंगे तो फिर तो और ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत लंबे समय तक याद हो सकता था उन्हें, लेकिन उन्होंने अपने आप को हार्ड कवर तक के तरफ लेके जाना ही बेहतर समझा। लेकिन ब्लू जोन का भी तो डैमेज है और ये छठा स्टेज सातवें स्टेज की बारी रहेगी, तो ऐसे में आपको तो आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पे रुकोगे तो एक हील बैटल आप कर सकते हो, अदरवाइज ये प्ले जोन आपको बाहर कर सकता है। सेवन ओशियन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्कल की तरफ जाने का डिसीजन लिया, लेकिन उनके भी खिलाड़ी हमें प्ले जोन के साथ प्रॉब्लम में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेम अब स्प्लिट देखिए दो तरफ यहाँ पे अपने आप को कर चुके हैं, और ऐसे में ग्रेनेड यहाँ से जो थ्रो हो रहा है वो बहुत कमाल का, लेकिन सामने से वो रीड काफी अच्छी थी, स्लैम इन किया गया, कनेक्शन यहाँ पे जो चाहते थे वो मिला नहीं है। और उसके बाद जो कन की जब बारी आई तो S12K के साथ एक अच्छा जवाब ज़ारोगॉट के ऊपर। टीम इनसेन पहले मैच में चिकन डिनर ले नहीं पाए थे, बट इस मैच के अंदर शानदार प्रदर्शन आया है और मुझे लगता है कि पहले मैच की तरह रो ईस्पोर्ट्स वर्सेस इनसेन ईस्पोर्ट्स के बीच में एक अच्छा बैटल जरूर देखने को मिलेगा। बट कारोनाडो ईस्पोर्ट्स सात फिनिश उनके पास, पांचवें पायदान पे वो खत्म हुए। इवन रेगल्टोस ने काफी अच्छी कोशिश करी, कुछ अंक वो लेके गए अपनी टीम के लिए, बट रेक्स एक क्लच पहले किया था बट इस बार वो करना बहुत मुश्किल। हील बैटल उनका दूसरा खिलाड़ी करता हुआ, बट हवाओं की दिशा में थोड़ा सा बदलाव आया। चलिए ड्रीम्स वो भी खत्म, चौथे पायदान पे विंड गॉड का समापन देखने को मिला। और इन सब चीजों के बीच में रॉ ने बोला कि चलिए हम सर्कल चले जाते हैं, आप फाइट करिए। क्या वही मंजर हमें फिर से देखने को मिलेगा कि रॉ यहाँ से चिकन डिनर निकाल के चले जाएंगे और इनसेन फिर से उस चिकन डिनर को मिस करने वाले, क्योंकि हाइट के पूरे एडवांटेज में रॉ के खिलाड़ी को मैं देख रहा हूं। इनफैक्ट सर्कल का भी एडवांटेज उन पे आ सकता है, बट अपने दो खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर भेजा गया रॉ के तरफ से ताकि एक ऑफ एंगल बचे है। बट लूसिफर ये गलती भारी पड़ेगी, ये गलती बहुत भारी पड़ी उनको, कोई फ्लैग मिला नहीं, हालांकि अपनी टीम को टॉप थ्री में लेके आए वो। एक कीमती पॉइंट यहाँ पे उनके तरफ से हम गवाते हुए देख पाए, लेकिन अब बारी आ चुकी है रॉ की। रॉ यहाँ से अब ग्रेनेड करना स्टार्ट करेंगे इनसेन के खिलाड़ियों के बीच में, वो गैप हमें देखने को मिलेगा। इविल उनके ऊपर हमें वो स्प्लैश डैमेज देखने को जरूर मिला, लेकिन अच्छी बात है कि ज्यादा डैमेज हुए नहीं,
तुरंत से अपने हेल्थ को रिकवर करते हुए हमें देखने को मिल चुका है। एक बहुत अच्छा प्लान है। छहों खिलाड़ी को अगर आप देखें तो गैप है सारे प्लेयर्स के बीच में, और ऐसे में अनुज टूओपी को मैं देख रहा हूं, अगर इन्हें यहां से वो एंगल मिल गया तो बचे हुए जो दो खिलाड़ी जो थोड़ा अलग खेल रहे हैं वो सीधा स्लैम इन कर देंगे इनसेन के ऊपर, और वही शायद वो करना चाह रहे, बस बारी है उस पहले नॉक की। देखिए अभी भी कई प्लेयर्स हैं जो जोन के थोड़ा सा बाहर हो चुके हैं, अगले जोन का शिफ्ट बिल्कुल बीचों बीच आया, टीम इनसेन, क्या वो पहले मैच का बदला ले पाएंगे? एक 3v3 प्योर बैटल देखने को मिल रहा है, और इन दो टीम्स ने कितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है। रो जिनके पास ऑलरेडी 7 फ्रैग्स आ चुके हैं, तीनों प्लेयर्स यहां पे फ्रैग्स निकाल चुके हैं इस मैच के अंदर, और अब वो चिकन डिनर चाहते हैं। गाड़ी का एडवांटेज भी है सुपरमैन को, देखिए गाड़ी लेके सीधा जोन की तरफ आगे बढ़े, बट फाइनली वो एंगल जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे वो एंगल था तो सही, बट अनुज टूओपी को शॉर्ट कनेक्शन मिलेगा नहीं, उल्टा रिटेलिएशन फायर में उनको डाउन किया गया। इनसेन अफू भी यहां पे हुए हैं डाउन। 2v2 का बैटल अभी भी यहां पे चलता हुआ, बट क्या रिवाइवल संभावना बन सकती है? 3 सेकंड का समय, मुझे लगता नहीं कि यहां पे शायद रिस्क किया जाएगा, बट फाइनली स्पाई ओपी आए, उन्होंने वहां पे एक नॉक भी किया, इविल वहां पे खत्म करना चाहते थे अनुज टूओपी को, बट यहां पे 1v2 का सिनेरियो बनता हुआ, रिवाइवल की संभावना है नहीं, बट इविल ही टेक्स अनदर वन डाउन, कोशिश बहुत ज्यादा, बट एक बार फिर से इतिहास ने अपने आप को दोहराया। देखना ये कि हातिन वहां से जिंदा निकलता कौन है, क्या वो टीम लॉल्स हो सकती है या फिर उनके साथ जिन्होंने ड्रॉप क्लैश लिया है उनको आप वहां पर देख पाएंगे। असम टाइटंस वो भी तैयार, और साथ ही साथ सेवन ओशन वो भी कैंप अल्फा के मेन कंपाउंड्स पर गए, और जैसे ही मुझे लगता है कि सामने वाले खिलाड़ियों को पता चला एक और किया गया, इनसेन ने कहा इस बार आखिर तक आपको मौका नहीं देंगे, शुरुआती दौर में ही हम फाइट कर लेते हैं, जो जीता वो आगे जाएगा। पर इनसेन का वो जो खिलाड़ी आया था उनको एलिमिनेट किया गया है, और अब इनसेन दो खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बग्गी लेकर वो खिलाड़ी आए तो सही, और अभी वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, और रॉ ऑफिशियल इस मुकाबले से सबसे पहले बाहर। जी हाँ रावण, मेरी ही प्रेडिक्शन थी वो। करने के बाद ये तीसरा मैच रहा जहां पे उन्होंने अपने आप को संभाला, और जिस तरीके से वो बग्गी के साथ एंट्री थी वो टोटली सरप्राइज था उनके लिए, कैसा शायद उनके साथ ना हो, उसके बाद एग्जिट करके वो एंगल बनाना सब कुछ बेहतर हुआ, इसी के कारण उनके पास हमें वो नतीजा आता हुआ देखने को मिला है। बट इसी बीच एक और फाइट का यहाँ पे आरंभ होता हुआ देखने को मिलेगा, TRK नीमो, उनको फिलहाल यहाँ पे डाउन किया गया, देखने वाली बात रहेगी क्या उन्हें रिवाइव मिल पाएगा या फिर नहीं, बट TGL एंगल मिला और कोई गलती नहीं, नॉक के बाद आप देखिए इंस्टेंटली वो ग्रेनेड पे जा चुके क्योंकि इन्हें पता है कंपाउंड के अंदर एक खिलाड़ी है। और जैसे हम बात कर भी रहे थे कि टीम लॉल्स पिछले दो मुकाबले में बस 2 पॉइंट वो अर्जित कर पाए थे, और इस बार उन्हें फाइट लेने की जरूरत थी भी, और यहाँ पर 3 फिनिशेस उनको शुरुआती दौर में मिल गए, और आखिरी खिलाड़ी मीको वो बचे हुए हैं और उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा, यानी अब उनको 4 फिनिशेस मिल गए, उनका मनोबल एक बार फिर से ऊपर आएगा। स्टेडियम से बहुत पहले से ये फाइट शुरुआत हुई थी और अभी तक वो खात्मे की तरफ बढ़ी नहीं, फाइनली उन्होंने एक खिलाड़ी को देख लिया पर वो खिलाड़ी चलती गाड़ी से उतर गया। क्रिम्सन के पास मौका था कि उस खिलाड़ी को वो नॉक कर सकते थे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और NIY माइकी वो तैयार, क्रिम्सन डाउन, क्रिम्सन एलिमिनेट होंगे इस मुकाबले से। क्लीना एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है क्योंकि सामने से तो वो चैलेंज में आता हुआ देख पा रहा हूँ, ऊपर के पास एंगल स्प्रे किया जाएगा, पकी के सामने से एंगल पहले ही यहाँ पे इतना ज्यादा डैमेज दे दिए गए थे जिसके कारण वो नॉक निकालना ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं। फियर्स की बात करें हाइट से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, ऊपर ही को यहाँ पे खत्म भी कर दिया जाएगा, और कहाँ पे वो ऊपर में बैठ के क्या कर रहे थे, नो लव एक बहुत बड़ी गलती जिसका फायदा उठाएंगे फियर्स यहाँ पे। और आखिरी खिलाड़ी को भी देखा जा चुका है, ग्रेनेड इनके पास है, थ्रो काफी बेहतर लेकिन वो प्लेयर पोजीशन जो है वो बार बार बदल रहा है, बट इसी बीच अगर रिवाइव भी कर दे तो बहुत बेहतर रहेगा इनके लिए। देखिए समय व्यर्थ ना करें क्योंकि रिवाइवल ज्यादा जरूरी है, अगर NIY वो भी इस फाइट के लिए आते तो फिर दिक्कतें कार्पेडियम उनके लिए भी बढ़ सकती है। और आप देखिए तो सही उस खिलाड़ी को उन्होंने रिवाइव नहीं किया और वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़े, पुकार उन्हें भी डाउन कर दिया गया, काश उनके पास मौका है वो क्लच निकाल सकते, एक और खिलाड़ी को डाउन कर दिया गया। और मैं आपसे चर्चाएं कर भी रहा था कि NIY अगर वो इस फाइट के लिए आते तो कार्पेडियम उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी। कर दिया, आपके पास ऑप्शन था, आप सर्कल जा सकते थे, मैचेस आपके जिस तरीके से जा रहे थे थोड़ा सर्वाइवल एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था, दो खिलाड़ी आप ऑलरेडी आप गवा चुके हैं, तो ऐसे में हमने कई बार देखा है कि थोड़ा सर्वाइवल में प्लेयर्स ज्यादा फोकस करते हैं, बट देखने वाली बात रहेगी कि ये डिसीजन इनको कितना फायदा दिलाने वाला है फिर से अपनी पोजिशन को यहाँ पे रिवील करते हुए। हाइट का पूरा पूरा एडवांटेज है यहाँ पे कार्पेटियम के पास, और आखिरकार वो हुआ, वक्त लगा जरूर लेकिन नतीजा कार्पेटियम के पास ही हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। और विंडगार्ड इतने आसानी से वो वहां पर जा पाए जबकि टीम लॉल्स वो तो ऊपर से ही लड़ाई कर आए थे और वो पैराडाइज रिजॉर्ट नहीं गए, आपके पास हाई रेज एडवांटेज भी होता और साथ ही साथ जोन का एडवांटेज भी होता, और उसके बावजूद टीम लॉल्स बहुत ज्यादा ओपन में,
बट यहाँ पे एक फाइट भी हमें देखने को मिल रहा है, जीके के जेब्जे को डाउन किया जाएगा, एक और खिलाड़ी को आपने नुकसान पहुंचाया गया, ये तो नहीं होना चाहिए था रेज गॉड। आज के दिन पे जब शुरुआत की थी तो सिर्फ आपकी गुणगान हम कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से आप जाओगे तो उसका भुगतान भी तो यहाँ पे भरना पड़ेगा। शिव रहेंगे आखिरी खिलाड़ी जिनके पास वो ग्रेनेड है, अगर कनेक्शन हुआ तो बेहतर, वरना नतीजा इनके अगेंस्ट जा सकता है। जो कनेक्शन ऑलमोस्ट हो सकता था लेकिन सिर्फ स्प्लैश डैमेज के रूप में एमजे उनके पीछे ही नॉक थे। वो पोजिशनल बता रहे होंगे कि यहां पे फेंके, यहां पे फेंके, फाइनली वो फेंका गया। अब वो ग्रेनेड का भी कनेक्शन देखने को मिला तो जरूर, लेकिन डिफरेंट एंगल से कुणाल थे जो कि खत्म करेगा और अब काफी आसानी से वो रिवाइवल होने वाला है। मुदत 6 फिनिशेस उस खिलाड़ी के पास आ चुके हैं, टीम लॉल्स हो चुका है और 17,999 में जो डिवाइस है वो आप देख सकते हो, चेकआउट जरूर जाके करिएगा। लेकिन फाइट की बात करें, ग्रेनेड तो फेंका ही गया था और उसके बाद स्प्रे भी किया गया, प्लीज ओन वो यहाँ पे थोड़ा चैलेंज कुछ प्लेयर्स के लिए यहाँ पे बढ़ाता हुआ, लेकिन मौली के साथ मुझे लगता है कि वो कन्फर्मेशन भी चाहेंगे अलग अलग तरफ से, वो ग्रेनेड भी आता है, ये काउंटर ग्रेनेड जरूर से मैं मैक्स की तरफ से देखने को मिला जो कि बेहतर, लेकिन उसके बाद मैक्स को भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। कितनी ज्यादा दूर से आप देखिए पुकार 4 ग्रेनेड्स के साथ, लगता तो नहीं कि यहाँ से एचआर की स्क्वाड सही सलामत निकल पाएगी, क्योंकि अभी तक हमने एचआर के बारे में ज्यादा बातचीत इसलिए करी क्योंकि 10 फिनिशेस के साथ 2 मैचेस में उन्होंने 10 प्लेसमेंट पॉइंट निकाले हैं, वो संतुलन उन्होंने बनाया है। पल्लूसिफर वो ऊपर उठे, आगे आने की कोशिश कर रहे थे, स्पॉट करे गए पुकार के द्वारा और अब ऑटो बसते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। पुकार ने काफी अच्छा वो नॉक ढूंढ लिया पहला, दूसरे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले डैमेज, लेकिन पुकार को भी यहाँ पे खत्म किया जाएगा। सामने जो खिलाड़ी थे उनका भी हमें अंत होता हुआ देखने को मिला। प्ले जोन सबसे बड़ा दुश्मन, वो इतने ज्यादा ओपन में लेटे हुए और टीम एम्पायर उनके सामने, अगर एक खिलाड़ी को भी नॉक करके वो फिनिश करते हैं सिचुएशन ज्यादा अच्छी हो सकती है। रीपर वो भी खिलाड़ी वहां पर डाउन करा गया, यानी कि माइकी अब उनके पास मौका है कि एम्पायर कम से कम उनको तो डाउन कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रेडेटर उनको भी देखा गया है। 1v2 माइकी आसानी से निकाला जा सकता है, बस थोड़ा सा स्प्रे ट्रांसफर सही होने की जरूरत। चलिए नॉक होने का इंतजार कर रहे थे, नॉक किसी और की तरफ से हमें देखने को मिला। अब वो कंफर्मेशन की जब बारी आई तो जरूर से उसमें हम बातचीत करेंगे, लेकिन माइकी बार पर इन सबके बीच में लॉल्स वो भी डाउन करे गए अक्षु के द्वारा। आरई स्पोर्ट्स पिछला मैच भी कम से कम थोड़े बहुत फिनिशेस निकाले गए थे, पहले मैच में भी उनके पास कुछ अंक आए जरूर, पर टीम लॉल्स अभी तक उन्होंने बहुत शानदार खेला है, बहुत सारे फिनिशेस उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले। अब देखना यह है कि और कितने ज्यादा वो फिनिशेस निकाल सकते हैं, हालांकि अभी भी वो टीम जोन के बाहर, आर ई स्पोर्ट्स वो जोन के अंदर गेट कीप कर सकते हैं, और टीम इनसेन और उन्हें भी पता था कि हम 26 के साथ हैं, सामने टीम रेकनिंग की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, इस बार वो नहीं चूकने चाहिए क्योंकि पिछली बार जो खिलाड़ी थे माइकी ही थे जो चूक गए थे, इस बार नहीं चूकना चाहिए ये मैं मान के चलता हूं। पर कारुनाडू वो आ गए और उन्होंने रेकनिंग की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई, और यही मैं कह रहा था कि इस बार माइकू को चूकना नहीं है, और उन्होंने कम से कम अपनी टीम को एक फिनिश तो दिलाया और इसका फायदा उन्हें जरूर से यहाँ पे मिलेगा मैच स्टैंडिंग में। लेकिन इनसीन की बात करें यहाँ पे वो डाउन है, उनको रिवाइव देने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, और ऐसे में चैलेंज सर्कल का भी आ रहा है, आगे आपको जाना ही पड़ेगा। और अच्छी यहाँ पे बात एविल प्रोन हो गए क्योंकि इन्हें पता है कि नजर रखा गया विंडो में, अगर हल्की सी भी चूक हुई उन्हें यहाँ पे खत्म किया जा सकता है। इमॉर्टल मीनवाइल उन्हें वहां पे डाउन किया जाएगा एविल की तरफ से, एंगल की डिमांड इमॉर्टल को थी, लेकिन आप भूल गए कि एविल भी तो नचरे गड़ा के आपके ऊपर बैठे हुए हैं। इनसे इनके प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, सर्कल की ओर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओपन है, रिस्की हो सकता है, लेकिन विंड गॉड भी दूसरी तरफ हमें फाइट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। असम को यहाँ पे मुश्किल में डाला जा चुका है, वहां पे इसी बीच विंड गॉड के ड्रीम्स को भी डाउन किया जा चुका है। और कुणाल इतने जल्दी उन्होंने हील बैटल करने का डिसाइड करा, अभी भी वो डैमेज उनके पीछे से आता हुआ। विंड गॉड इस मुकाबले में बहुत बैलेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, 5 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और चारों के चारों खिलाड़ी इस मैच में सर्वाइव करते हुए जारोकॉट को वहां पे समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद देखिए स्मोक करके ओपन में जाके वो ग्रेनेड कर रहे हैं, और यही तो खासियत है इस नॉक की, अगर इस पे आप महारत हासिल कर लो तो प्लेयर्स को बहुत परेशान करके जा सकते हैं। और आप उम्मीद करके चले कि अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए और एक ग्रेनेड और उसके साथ वो नॉक भी मिलेगा, और वो मिला भी है। विंड गॉड धीरे धीरे करके आगे जा रहे, दूसरा ग्रेनेड भी आएगा, मॉली भी फेंका जाएगा, सारे यूटिलिटीज का इस्तेमाल करने का सही मौका उन्होंने चुना है जिसके कारण प्लेयर्स संभल ही नहीं पा रहे हैं। पर वो इनसेन के स्पाय थे जिन्होंने बैड ओपी को समाप्त किया, यानी कि विंड गॉड को वो फिनिश नहीं मिला, एक एक्स्ट्रा फिनिश उनको मिल सकता था। पर सोन भी जिमाई एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, अपने आप को हील करने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। मुदे तभी भी सर्कल के अंदर पहुंचे नहीं, कुणाल उनका हील बैटल लगभग समाप्त हो चुका है, जैसे मैं पहले भी आपसे चर्चाएं कर रहा था कि बहुत पहले उन्होंने हील बैटल की शुरुआत करी, ज्यादा फर्स्ट एड वैसे भी उनके पास था नहीं, और अब
विंड गॉड की मुश्किलें कुणाल बढ़ा सकते हैं। मुझे बस देखना यह कि कुणाल क्या कहीं से भी उनके पास एंगल है जहां से वो विंड गॉड के खिलाड़ियों को देख पाए। मैनी बहुत ज्यादा ऊपर से निकलने की कोशिश, उनके पास कोई और दूसरा मौका था भी नहीं। रेक्स उन्होंने स्पॉट किया, मैनी डाउन, वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। और कुणाल, मैं कह रहा था कि उनके पास क्या कोई एंगल हो सकता है, शायद हुआ भी होगा, पर वो बहुत ओपन में आए, विंड गॉड का शिकार हुए, स्टोन भिजवाए प्ले जोन के बाहर, और वो प्ले जोन के बाहर ही खिलाड़ी समाप्त हो गया। ड्रीम्स के पास मौका था तो सही, पर चलिए मुदित अपनी टीम को टॉप टू तक तो लेकर आ पाए। और इसी के साथ यहाँ पे विंड गॉड लेके जाएंगे वो विनर विनर चिकन डिनर। आपकी भी बहुत ज्यादा शानदार है, जरूर चेकआउट कीजिए, हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर है हीरो। बट अभी के लिए सीधा सलामन, बट हेस्पिरोस बी लाइक पूरा मैच खत्म होगा, मैं नहीं लूंगा। ये 9 फुट स्ट्रैटेजी थी, दैट इज द रीजन कि एस्ट्रो किड्स को लगा कि कोई नहीं है और चलो विला में जाके थोड़ा आराम फरमाया जाए। लिवाई को हार्ट अटैक आने वाला है बहुत जल्दी। ओ, मैं बोल ही रहा था कि लोविश वो आगे आए और उन्होंने हेस्पिरोस को डाउन कर दिया। हालांकि लोविश को एचपी थोड़ा डैमेज हुआ है और अपने आप को वो हील करते हुए दिखाई देंगे। 7 ग्रेनेड्स अभी भी उस खिलाड़ी के पास है, एस्पेरोस वो डाउन कर दिए गए। और अब टीम लमरा 3 खिलाड़ियों के साथ, गोकुल उनको भी नॉक किया गया लिवाई के द्वारा, और अब 2 खिलाड़ी बचती है टीम लमरा की। उन्होंने जो वो एक फिनिश निकाला था, थोड़े और फिनिशेस वो निकालना चाहते हैं, पर मेरे बोलते ही क्लच ओजी उन्हीं की तरफ वो ग्रेनेड और वही खिलाड़ी नॉक हुआ। मैं कह ही रहा हूँ सिग्नल्स बहुत मिल रहे हैं, वैसे आपको उन सिग्नल्स को पहचानी है। वही डेल्टा चौड़ की अगर बात की जाए, काफी शानदार वो नेट था, परफेक्टली कुक मैं कहूंगा उस नेट को। बट रिवाइवल मिल जाएगा, कुछ खास परेशानी आएगी नहीं, बिकॉज जो बाकी प्लेयर्स हैं रेफन के वो बहुत ज्यादा दूर। एक प्लेयर शुरुआत में गंवाने के बाद 3 प्लेयर्स के साथ बहुत मुश्किल रहता है आपके लिए। बट डेल्टा चौड़ को बचाने के लिए एक प्लेयर पीछे आए हैं। अब सवाल ये है, क्या वो सच में बचाने आए हैं या फिर वो खुद फाइट करना चाहेंगे यहाँ पे? जी हाँ, वो फाइट करना चाहते हैं। पर माइकी का ये ग्रेनेड हो सकता है डैमेज दे। जी हाँ, डेल्टा जॉर्ड उनको डैमेज पड़ा भी है, पर रेडिएटर वो भी इस फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। ग्रेनेड का एक और इस्तेमाल किया गया, क्लच वहां पर रिवाइव कर दिए गए डेल्टा जॉर्ड। एक और ग्रेनेड आया, उस ग्रेनेड से वापस उन्हें डैमेज पड़ा, पर 4 डोमिनेटर इसी बीच उनके फाइट की शुरुआत हो गई। और फाइनली डेल्टा जॉर्ड वर्टेक्स के उस ग्रेनेड से डाउन होंगे, और अब मौका मिल सकता है कि एनवी वो आपको रश करते हुए दिखाई दे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि रेफन के जो बाकी खिलाड़ी हैं वो कहीं से भी इनको कवर फायर दे पाएंगे। एक खिलाड़ी है जो अभी भी रिवाइवल एग्जीक्यूट वहां पर करता हुआ दिखाई देगा। मुश्किलें रेफन के लिए बहुत ज्यादा हो चुकी है 3 खिलाड़ियों के साथ, एक खिलाड़ी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर हो चुका है, वापस उन्हें डाउन करा जाएगा। और अब रेडिएटर उनके कंधों पे बहुत बड़ा भार, अगर यहां वो अपनी टीम को नहीं बचा पाए तो फिर एक खिलाड़ी के साथ जीवित रहना पड़ेगा। जी हाँ, वही हुआ जहां पर एक और खिलाड़ी जो रिवाइव कर रहे थे रेडिएटर, वो भी डाउन कर दिए गए। पहली टीम बनी टीम लिमरा जो बाहर हुई सोलवे पायदान पे, और 0 अंक निकाले, फिनिशेस भी उनके पास आए नहीं। उस खिलाड़ी को डाउन किया गया था, वापस वो रिवाइव होगा, पर गुजरात टाइगर्स फाइट शुरू हो चुके हैं। एनबी अभी तक एक फाइट को बस वो समाप्त कर ही रहे थे, अपने आप को हील करने का उन्होंने ज्यादा मौका शायद उनको मिला ना हो। किंग उनको डैमेज पड़ा है, माइकी वो भी नीचे है। एक और ग्रेनेड हर्ष के बहुत ज्यादा करीब, हर्ष का एक ग्रेनेड आया, हालांकि वहां पे खिलाड़ी तैयार थे, पर माइकी उन्होंने खिलाड़ी को डाउन किया, स्किप्स वो डाउन कर दिए गए, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। डार्क लॉर्ड वो भी डाउन करके खत्म कर दिए गए, माइकी उनका एलिमिनेशन, और देखते ही देखते गुजरात टाइगर्स दिक्कतें उनके लिए ज्यादा होने वाली, स्किप्स उनको अभी तक फिनिश नहीं किया, यानी कि रिवाइवल का मौका मिलता है। पर देखना यह कि क्या किंग अपनी टीम के लिए क्लच करके जाएंगे, वोर्टेक्स साथ देंगे या फिर नहीं। RTGX IND बहुत ज्यादा करीब हो सकते हैं, पर किंग एक बफर से वो फाइट करने के लिए तैयार, पर बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी चला गया, डाउन करे गए, और वोर्टेक्स बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। क्लचकोट ने अपना कार्य करके दिखाया, सुपरमैन जंप देखने को मिली, और वोर्टेक्स वो बचने के लिए बाहर यहाँ पे निकले जरूर है, बट क्या यहाँ पे गुजरात टाइगर्स उनको स्पॉट कर पाएंगे? रिंगा रिंगा रोजेस खेलने की कोशिश जरूर थी, बट फाइनली वहां पे एफर्ट दिखाया हर्ष ने, 3 फ्राग इस प्लेयर ने निकाले हैं, और जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे वो वापस आती नजर भी आई। बट क्लच गॉड दूर दराज इलाके से स्प्रे आया, डाउन हुए वो, हालांकि रिवाइवल मिलना चाहिए, लेकिन वो इस जगह पे फंसे हुए हैं ना जहाँ पे बाहर जाके रिस्क लेना पड़ेगा किसी प्लेयर को रिवाइव करना भी है। तो अभी देखना है कि एरर क्या वो आते हैं या फिर नहीं। चलिए वो आने की कोशिश कर भी रहे थे, पर उनको कहीं और से शॉट पड़ा तो सही है। PSY वो भी पीछे मौजूद दिखाई देंगे, फेटालिटी एक बढ़िया कंपाउंड का कवर उनके पास है, डोमिनेटर 4 डोमिनेटर्स इसी बीच उनका एलिमिनेशन, फिनिशेस नहीं निकाले। ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब आया था, पर एक और ग्रेनेड, और वो ग्रेनेड उछलकर वापस दूर गया, और बहुत जल्द जो उनकी फाइट है वो शायद हमें टीआर के साथ होती हुई नजर आए। और मैं टीआर की चर्चाएं कर ही रहा था कि ब्लेस, उन्होंने टीआर के खिलाड़ियों को देखा,
थोड़े बहुत शॉट्स दिए गए, हालांकि कनेक्शन उतने कुछ खास बने नहीं, पर अब ये टीम जोन के अंदर है। पर दिक्कत इस बात की कि एनओएन वो जोन के बाहर से आए और अब उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। मीनवाइल टीम प्रो एक प्लेयर को जोन के द्वारा गवाया, बाकी प्लेयर्स मुश्किल में गए, जोन के अंदर जाने की कोशिश थी, बट यतिन ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग टीम। पर साई वो निकलने में लगभग कामयाबी हासिल कर चुके, फैटालिटी वो भी फाइट लेना चाहते हैं, पर साई ने कहा हम नहीं लेना चाहते, वो चले गए क्योंकि एम गॉड वो पहले से ही बहुत ज्यादा दूर है अपनी टीम से। रश बॉय वो डाउन करे गए चीफली के द्वारा, एनओएन फिनिशेस अभी भी उनको चाहिए, पर साई वो तैयार रहेंगे, ब्लिस सैम वो फिनिश हुए, आरटीजी एक्स आई एन डी, ये फाइट उन्हें हर हाल में जीतनी पड़ेगी। अगर ये फाइट वो जीते हैं तो जोन का एडवांटेज उनके पास बहुत ज्यादा रहने वाला है। पर एम गॉड को आप देखें, फैटालिटी के वो पीछे से आ चुके हैं और अब टीम साए उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। बिजॉय वो तैयार, और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि डैमेज उनको पड़ेगा ही पड़ेगा, पर वो राल्फी थे जिन्होंने उस खिलाड़ी को डाउन करा और साए उनका एलिमिनेशन, वो इस वक्त डाउन कर दिए जाएंगे। बेबी बॉट उनको भी डाउन किया गया, गुजरात टाइगर्स वो आगे बढ़े और टीआर उनका एलिमिनेशन दिखाई देगा, हालांकि वो एरर के खिलाड़ी थे जिन्होंने आखिरी खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। पर गुजरात टाइगर्स अभी भी 6 फिनिशेस के साथ क्लच गॉट डाउन है, आसानी से उन्हें रिवाइव किया जाएगा, पर दिक्कत की बात कि ये टीम अभी भी जोन के अंदर नहीं। देखिए जोन के अंदर जाना एक चैलेंज रहेगा इस टीम के लिए। फैटालिटी मीन वाले एम गॉड वो थोड़ा सा ओपन में गए, आते ही उनको आईएनडी के राल्फी के द्वारा डाउन किया गया। फैटालिटी मैं देख पा रहा हूँ युवा एक अलग एंगल बना जरूर रहे हैं, बट क्या वो आरटीजी एक्साइएनडी के इस प्रहार को रोक पाएंगे। लॉबस्टर उनके सामने एक अच्छा फ्रैग उनकी तरफ आ रहा था और वो फ्रैग निकाला भी सही युवा ने, और फिनिशर्स निकाला, क्लच गॉड उनको डाउन करा गया। मिस्टर स्प्रे वो फाइट के लिए तैयार रहेंगे, हर्ष वो आगे गए, उन्होंने मिस्टर स्प्रे को डाउन किया और अभी भी उनके दो खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, हर्ष वो भी डाउन कर दिए गए। स्केप्स उनके ऊपर पूरा भार आएगा, वो खिलाड़ी अकेला बचा हुआ अपनी टीम से, स्केप्स उनका भी एलिमिनेशन। गुजरात टाइगर्स चौथे स्थान पर इस मुकाबले से बाहर, बट फैटालिटी का आगमन फाइनली यहां पे होता हुआ, नंबर्स गेम एडवांटेज उनके पास, एरर ने अपने कंपाउंड को डिफेंड करने के लिए पूरी जान लगाई है, बट क्या वो चिकन निकाल पाएंगे। एक खिलाड़ी जो हील बैटल कर रहा है वो दूर दराज इलाके से इस फाइट का दर्शक बना हुआ है। एरर मीनवाइल एक प्लेयर एचपी बहुत कम उनके हाथ में, नेट सामने प्लेयर को स्पॉट किया, ये नॉक तो आना ही चाहिए और ये नॉक आएगा ही सही। फैटालिटी वो एक चिकन की तरह बहुत तेजी से बढ़ते हुए रनर ईस्पोर्ट्स अब बचे हैं केवल एक प्लेयर के साथ। पर रनर ईस्पोर्ट्स उन्होंने शानदार खेला है और देखना ये कि ये चिकन डिनर, जी हाँ वो 11 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर लेकर जाएंगे, क्योंकि जो प्लेस का खिलाड़ी था वो जोन के अंदर आया नहीं और वो प्ले जोन के बाहर ही खिलाड़ी समाप्त हुआ। और टीम फैटालिटी ये पहला मुकाबला और इस पहले मुकाबले में ही 11 फिनिशर्स के साथ चिकन डिनर।